नमस्कार दोस्तों, एसएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप साहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक पावर पैक के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे हाइड्रोलिक पावर पैक किसे कहते हैं, वो वर्क कैसे करता है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में। इस वीडियो में हाइड्रोलिक में यूज होने वाले कंपोनेंट्स को उसके नाम व पिक्चर के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हाइड्रोलिक पावर पैक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, हाइड्रोलिक पावर पैक एक ऐसी मशीन है जिसमें प्रेशर के थ्रू फ्लूइड के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है पंप और मोटर के अकॉर्डिंग, जिसमें हमारा पंप ऑयल को पंप करता है और मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करके वर्किंग डिवाइस तक प्रोवाइड कराता है, यानी कि फॉरवर्ड करता है, और दोस्तों बहुत ही कम समय में एक लॉस पावर जनरेट करता है। अब बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोलिक पंप की। तो दोस्तों, हाइड्रोलिक पंप हाइड्रोलिक पावर पैक मशीन में पावर का मैकेनिकल सोर्स होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और दोस्तों, हाइड्रोलिक सिस्टम में तीन अलग अलग टाइप्स के पंप का यूज किया जाता है, जैसे गियर पंप, स्क्रू पंप एंड वैन पंप। उसके बाद है दोस्तों हाइड्रोलिक वाल्व। दोस्तों, हाइड्रोलिक वाल्व का वर्किंग हाइड्रोलिक ऑयल को कंट्रोल करना होता है, चाहे वो प्रेशर हो या उसकी स्पीड हो या उसकी डायरेक्शन हो। दोस्तों, हाइड्रोलिक वाल्व हाइड्रोलिक सिस्टम में उसके वर्किंग प्रोसेस में उसकी मदद करते हैं। और हाँ दोस्तों, हाइड्रोलिक वाल्व को तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला प्रेशर कंट्रोल वाल्व, दूसरा फ्लो कंट्रोल वाल्व, तीसरा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर कंट्रोल वाल्व की। तो दोस्तों, प्रेशर कंट्रोल वाल्व का यूज एक्सेस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। प्रेशर कंट्रोल वाल्व से हम अपने वर्किंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, प्रेशर कंट्रोल वाल्व के अंतर्गत कई तरह के वाल्व आते हैं जो हाइड्रोलिक में प्रेशर कंट्रोल वाल्व के साथ यूज किए जाते हैं, जैसे कि प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, प्रेशर अनलोडिंग वाल्व। दोस्तों, ये सभी प्रेशर कंट्रोल वाल्व की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं फ्लो कंट्रोल वाल्व की। तो दोस्तों, फ्लो कंट्रोल वाल्व का मेन फंक्शन हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक सिलेंडर या मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना होता है। इसके यूज से हम ऑयल की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और दोस्तों, फ्लो कंट्रोल वाल्व तीन कैटेगरी में आते हैं। पहला थ्रोटल वाल्व, दूसरा फ्लो कंट्रोल वाल्व, तीसरा डिक्लेरेशन वाल्व। ये सभी कंट्रोल वाल्व की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की। तो दोस्तों, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल के डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जिसकी मदद से हम सिलेंडर को फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वाल्व में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, जो कि छह अलग अलग टाइप्स की होती है। पहला मैनुअली ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, दूसरा स्लो नाइट ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, तीसरा पायलट ऑपरेटर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, चौथा केम ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, पांचवा नॉन रिटर्न वाल्व, छठवा फ्लो डिवाइडर वाल्व। ये सभी वाल्व डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लेवल इंडिकेटर की। तो दोस्तों, लेवल इंडिकेटर हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल टैंक में पड़े ऑयल के लेवल को बताता है, जिससे हमें ये पता करने में आसानी हो जाती है कि हमारे हाइड्रोलिक टैंक में ऑयल कितना है। अब बात करते हैं दोस्तों हीट एक्सचेंजर की। तो दोस्तों, हीट एक्सचेंजर हमारे ऑयल के टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, क्योंकि वर्किंग प्रोसेस के दौरान हमारे हाइड्रोलिक में ऑयल जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ऑयल सील, ओरिंग वगैरह कटने के चांसेस होते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं। इस वजह से ऑयल के टेम्परेचर को कम करने के लिए हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इसमें कई सारी एक साथ प्लेटें लगी हुई होती हैं, जिसमें वन प्लेट में ऑयल और वन प्लेट में वाटर सप्लाई होती है।
स्टेप बाय स्टेप इसमें जो प्लेट्स लगी होती हैं, किसी बीच की प्लेट में ऑयल रहता है, उसके बाद दूसरी प्लेट में पानी चलता है, जिसकी वजह से हमारा ऑयल कूलिंग होता है। अब बात करते हैं दोस्तों फिल्टर स्टेनर की। तो दोस्तों फिल्टर का यूज हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम में इसलिए किया जाता है ताकि हमारे हाइड्रोलिक को शुद्ध और क्लीन ऑयल मिल सके। फिल्टर हमारे ऑयल में पड़े कंटेनमेंट जैसे डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल को हटाना होता है। और दोस्तों इसके अलावा भी कई छोटे छोटे कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज किए जाते हैं, जैसे कि मैनिफोल्ड, प्रेशर गेज, निडल वाल्व, थर्मोस्टेट, बी ड्रेन प्लग, रिटर्न लाइन फिल्टर, वेल हाउसिंग, मैकेनिकल कपलिंग, हाइड्रोलिक मोटर इटिस। और दोस्तों हाइड्रोलिक प्रेशर को पाउंड पर स्क्वायर इंच में मेजर किया जाता है, यानी कि PSI में। और ये प्रेशर को मेजर करने की इकाई होती है, जैसे कि हम किसी चीज़ को वजन करते हैं या नापते हैं किलो में, टन में या लीटर में, उसी तरह प्रेशर को PSI में मेजर किया जाता है। और दोस्तों हमारे हाइड्रोलिक में सबसे ज़्यादा 68K ऑयल का यूज किया जाता है। वैसे तो दोस्तों हाइड्रोलिक ऑयल कई अलग अलग कैटेगरीज में आती हैं, जैसे कि 32, 46, 6, इन सभी ऑयल में सिर्फ विस्कोसिटी का ही डिफरेंस होता है। तो दोस्तों ये थी हाइड्रोलिक पावर पैक से रिलेटेड एक छोटी सी जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।